हेलो फ्रेंड्स, मेरे किचन में आज है ओरियो चिकू थिक शेक, जो आपको बहुत ही पसंद आने वाला है और एकदम क्विक रेसिपी है, झटपट से बन जाती है। इसी के साथ ही मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है आपने तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। फ्रेंड्स, ये थिक शेक ज़रूर बनाइए और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा लगा। 10 से 12 काजू मैंने एक मिक्सर जार के अंदर ले लिए हैं, 2 टेबलस्पून शक्कर ले ली है। इसको हम पहले ग्राइंड कर लेंगे, फाइन पाउडर बना लेंगे। इसके बाद 5 ओरियो बिस्किट लिया है, वेनिला या चॉकलेट कोई भी फ्लेवर आप ले सकते हो। उसको हाथ से ही रफली क्रश कर लीजिए। और यहाँ पे मैंने डार्क चॉकलेट ली है 1 टेबलस्पून के करीब, इसको ग्रेट करके डाला है। और मिल्क चॉकलेट को भी मैंने इस तरह से ग्रेट करके डाला है। इसके अलावा आप कोई भी मिल्की चॉकलेट भी, मिल्की बार भी ले सकते हो। इसको ग्राइंड कर लीजिए वापस से। और 5 चीकू मैंने लिए हैं, इसको अच्छे से धो के पील कर लिया है, सीड और ख़राब जो था पार्ट वो निकाल दिया है और इसको छोटे पीस में कट कर लिया है। अभी आइस डालेंगे ताकि चिल मिल्क शेक पीने का बड़ा मज़ा आए। और 1/2 कप के करीब दूध डालती हूँ, वो भी एकदम चिल है। इसको वापस से चर्न कर लेंगे और चर्न करने के बाद थोड़ा दूध हम वापस से डालेंगे। तो यहाँ पे हमारा ओरियो चिकू चॉकलेट मिल्क शेक बनके तैयार है। बहुत ही टेस्टी बना है, एकदम कम इंग्रेडिएंट से बन जाता है और स्पेशली बच्चों को ये बहुत ही पसंद आता है। और आप अपने मनचाहे तरीके से इसको डेकोरेट कर सकते हैं। मैंने यहाँ व्हिप क्रीम से इसको गार्निश किया है। आपके पास अगर आइसक्रीम हो तो 1 या 2 स्कूप आप आइसक्रीम भी इसके ऊपर रख सकते हो। और ओरियो बिस्किट रखा है, थोड़े से चीकू के छोटे छोटे पीस करके इसके ऊपर रख दिए हैं और चॉकलेट सिरप डाला है इसके ऊपर, थोड़ा सा चॉकलेट क्रश करके डाला है। ओरियो चीकू चॉकलेट मिल्क शेक बन के तैयार है। वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। बाय बाय।